अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। चीज़ें खुद नहीं होती, उन्हें करना पड़ता है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। जिसके पास धैर्य है, वह जो चाहे वो पा सकता है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। फायदा कमाने के लिए नियोते की जरूरत नहीं होती। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे कुछ नहीं बदल सकते। मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। बिजनेस वही करते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं। अभी से करना शुरू कीजिए जो आप भविष्य में करना चाहते हैं। उम्मीद के बिना डर नहीं होता और डर के बिना उम्मीद नहीं होती। या तो दिन आपके अनुसार चलता है या आप दिन के अनुसार चलते हैं। जो प्रेरित होना चाहती है वो किसी भी चीज़ से हो सकते हैं। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी काबिलियत बस आप ही पहचान सकते हैं। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। आपका लक्ष्य आपके मेहनत करने के तरीके से पता चलता है। काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेले चलना शुरू कर तो सही। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। बढ़ता वही है जो बदलता है। कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे निशानों पर चलना शुरू कर दें। आपके और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे। खुद की पहचान चाहिए तो अकेले चलना पड़ेगा। तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने के लिए तैयारी करना। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम, करनी में ज़्यादा सफल होता है। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। कुछ अच्छा बोलने से बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करें। अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आपकी जीत आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। संघर्ष और धैर्य के साथ ही आप बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर लेंगे। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। आपके पहले जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। आदतों को सफल बनाओ, आप खुद ब खुद सफल हो जाओगे। आप सफलता को पाने के लिए सपने मत देखिए, बल्कि उनको पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। हर दिन एक ऐसी चीज करें जो आपको डराती है। सफल होने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। हमें अपना सपना जीने में बहुत डर लगता है, इसलिए हर कोई अपना सपना नहीं जी पाता। गलती करने से मत डरिए, अगर सफलता पाना चाहती है तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझे। उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। वो व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है। काम वो है जो आपकी कमजोरी को चुनौती दे। प्रयास करने का एक सबूत होती है गलतियाँ। मेहनत पर एतबार करने वालों को अपने काम में खुदा नजर आता है। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा। कोशिश करते रहो, कुछ नहीं तो अनुभव तो बेहद खास ही मिलेगा। बहाने बना रहे हो जीत चाहिए या हार? इस दुनिया में सबसे अलग दिखोगे। अभी जितना अंधेरे में हो कल उतने ही उजालों में रहोगे। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं। मंजिल तुम्हारा पता खुद ले लेगी। मैं तुम्हें समझ नहीं आऊँगा क्योंकि खुली किताब को समझना मुश्किल होता है। क्यों चिकने पत्थर पे चलते हो? अक्सर पैर फिसल जाएंगे। मिट्टी पे चलो, पकड़ अच्छी रहेगी। राहों पर कितने कांटे हैं, चलना भी जरूरी है। पता है कि हर तरफ कांटे पड़े हैं, पर इरादे तो बड़े हैं। हीरे सा बनो जो अंधेरे में भी चमकता है। गुरूर मत करना अपने हुनर का, वरना तुम्हारे हुनर को नज़र लग जाएगी।
सिखाया नहीं जाता कि उड़ना कैसे है। जिनको मंजिल की तलाश होती है वो खुद उड़ान भर लेती है। जो दिए जलाए है तूने हौसलों के, उन्हें जलने देना। इन आंधियों में दम नहीं उन्हें बुझाने का। कितने विशेष हो तुम, ये शायद तुम्हें पता नहीं। समय रहते पता कर लो, वरना शेष ही बच पाओगे।